तो दोस्तों इस बार आप थे हम लोग केवाई के एक रेस्टोरेंट में आप पहुँचे और यहाँ पे हमने नाश्ता किया है। यहाँ पे जिसको नींद आई हुई हो तो वो पैर अपने ठंडे पानी में रखे तो उसकी नींद तो भाई गुल हो जाती है। तो ये पैसे वापस जीप का सफर करते हुए हम लोग क्या कि नहीं हरियों का तो पता नहीं, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम देख के मेरा स्लो मोशन जरूर हो गया था। आई वॉज अबाउट टू कैप्चर सेफ्री मरू लेक बाय ऑल पॉसिबल, अनफॉर्चुनेटली ये मोहतरमा चर्च से आई और चर्च से चली गई, लेकिन इन्होंने मेरी सेफ मलूक की फैंटेसी का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था सेफ मलूक से आंसू लेक की तरफ जाना, लेकिन हमारे दोस्त अरसलान कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर से ने कहा कि सेफ मलूक में उन्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो हमें चाहिए कि हम आंसू लेक की तरफ जाएं। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोग आंसू लेक के लिए राज़ी हुए, और जब हमें पता चला कि ये सफ़र घोड़ों का है यानी कि 7 घंटे आपको घोड़ों पर बैठ के आना जाना करना होगा, तो हमारा दिल और भी ज़्यादा खुश हुआ और सिर्फ मुल्क लेक को सी यू अगेन कहा। हमारे इस काफले की सलाड़ी असगर लेने की और वो सबसे आगे हुए। मंजिल हमारी बुलंद बाला पहाड़ थी, उन पहाड़ों को देख के हमारे जज्बात मजीद बढ़ते थे कि कब वो टाइम आएगा कि हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचें। अपने जहन में वो सभी मुश्किल को भी मद्दनज़र रखा हुआ और खुदा ने इस दिल में जोर को तो भरपूर जगह दी है। जैसे जैसे घोड़ा दौड़ाता था दिल में वासिफ का एक शेर याद आता था, चले हो साथ तो हिम्मत न हारना वासिफ, चले हो साथ तो हिम्मत न हारना वासिफ। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच गए बेस कैंप, और बेस कैंप में तकरीबन 1/2 घंटे तक हमने स्टे किया और घोड़ों को भी पानी वगैरह पिलाया। ये सफर ही मेरी मंजिल है और मुसाफिर हूँ इस सफर का। भीड़ से कट के यहाँ पे इन पहाड़ों के दरमियान खुद से मिलने आया हूँ, अपने आप में अच्छाई और बुराई का तयन करने आया, अपने आप को पहचानने आया, अपने दिली सुकून ढूंढने के लिए आया। बादलों पहाड़ों को देख कर मेरा दिल मुतमइन हो रहा था कि इंसान को खुदा ने इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया ताकि वो यहाँ पे आए, अपने आप को पहचाने, अपने खुदा को पहचाने। After getting some rest, now we are moving towards Ansoo Lake. अब सफ़र ज़्यादा dangerous होने लग गया है क्योंकि पहले सीधा सीधा हमने horse ride करना था, अब हमने पहाड़ पे चढ़ना है वो भी घोड़े पे बैठ के।
यहाँ से गुजरते हुए तो भाई 4 मिनट तो सबकी खत्म ही होगी थी, क्योंकि यार छोड़ना नहीं है, गिर जाएंगे यार वो। और जुबान पे आयतुल कुर्सी का वर्ड था और घर वालों की बहुत याद आ रही थी। ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन मज़ीद कम।